मुंबई क्राइम पेड न्यूज ने आज मुलुंड में एक एरिया में मैंने ये कवरेज के लिए सामने वाले जो बंदा है उनके शिकायत पे पहुंचा हूं मैं। ये समस्या इतनी गंभीर है और मेरे दर्शकों आप ये समस्या को अगर सुनते हैं तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह आज के डेट में मेडिकल वाले अपनी लापरवाही से एक गलत दवा देने से एक महिला के पेट में 2 महीने का बच्चा जो था वो मिसक्रेस हो गया। उस महिला के पेट के अंदर जो बच्चा है उसके जो हत्या इन लोगों ने की है ये मेडिकल वाले की गलत दवा के वजह से। और शिकायत करता जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है 18 तारीख को और पुलिस वाले जो मुलुंड के ये अब तक डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये केस में क्या FIR होना चाहिए के NC, और अभी भी वो लोग महिला के इतनी बड़ी समस्या के ऊपर किसी महिला अधिकारी पुलिस अधिकारी का नियुक्ति न करते हुए एक पुरुष पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल को खड़ा कर देता है। हमारे देश के अंदर महिला के लिए कितना भी सुरक्षित कानून बनाया जाए लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो इसको अनसुना कर देते हैं। ये बताइए आप मुझे और मेरे दर्शकों को ताकि आपकी गलती से या आपके साथ हुई जो हादसा से कुछ जनता नहीं तमाम जनता को ये सीख मिले। ये बताइए आपके साथ क्या हुआ। 14 तारीख को मैं मेरी वाइफ को लेके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के लिए उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख के दी। वो दवाइयाँ लाने में मेडिकल में गया, बिना नगर में श्री गणेश मेडिकल से मैंने दवाइयाँ खरीदी। एक दवाई बराबर दिया उसने, दूसरा दवाई ये गलत दिया। ये गलत दवाई खाने से 5 दिन तक ये दवाई खाया मैंने, 14 तारीख से 18 तारीख। तुम्हारी मिसेज ने खाया दवा? हाँ, मेरी मिसेज ने ये दवाई खाया 14 तारीख से 18 तारीख तक। 18 तारीख को सुबह उसका मिसकैरेज हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम गलत दवाइयाँ खा रहे हो, ये दवाई कहाँ से। तो वो दवाई मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई गलत दवाई खाने से तुम्हारी बीबी का मिसकैरेज हो चुका है, ये दवाई पेन किलर का है और मेरी बीबी को प्रेगनेंसी का दवाई का जरूरत था। तो आपने 18 तारीख को मुलुंड पुलिस स्टेशन में जाके इसकी शिकायत करवाई आपने? जी करवाई, मैं पुलिस स्टेशन गया, उन्होंने कहा कि एक अर्जी लिख के दो, मैंने ये अर्जी उनको लिख के दिया। 18 तारीख को ही उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कौन से कलम के अंतर्गत हम इससे कार्रवाई करें। पुलिस ऑफिसर ने, पुलिस वाले ने आपको क्या पूछा फिर से बताइए। पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि आप ही बताइए मुझे मैं किस कलम के अंतर्गत उस पर कार्रवाई करूं। फिर आपने क्या जवाब दिया? जी मैंने कहा हम हमारे एडवोकेट से बात करेंगे, एडवोकेट से पूछ के आपको बता दें। यानी मुलुंड पुलिस स्टेशन वाले ने इतनी बड़ी घटना पे आपकी खाली एक अर्जी लेकर उस पर शिकायत ली नहीं, ना ही उनके खिलाफ FIR ली नहीं। दर्शकों आपने देखा किस तरह ये मुलुंड पुलिस स्टेशन के अधिकारी अपनी ड्यूटी को निभा रहे। हमारा मकसद मुंबई क्राइम पेज का यही है कि ऐसे लापरवाह ऑफिसर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और साथ ही ऐसे मेडिकल वालों को भी सजा मिलनी चाहिए जो एक लाइसेंस पे तमाम अनट्रेन्ड लोगों को वहां दवा बेचने के लिए लगा देते हैं। हमारी मीडिया ने आज से 6 महीने पहले भी ये मुहिम को अंजाम दिया था। मोस्टली मुलुंड के अंदर जो मेडिकल वाले होते हैं ये लोग मारवाड़ी यानी मारवाड़ से होते हैं, ज्यादा मोस्टली मारवाड़ी होते हैं। ये लोग करते क्या है कि अपने एक ट्रेन बंदे के नाम पे सर्टिफिकेट ले लेते हैं, बाकी अनट्रेन लोगों को वो सिखा के अपने मेडिकल में खड़ा कर देते हैं। और ये बात तमाम जनता को पता है इस समय मेडिकल की क्या हालत है। आज एक मेडिकल वाले की लापरवाही की वजह से एक महिला के साथ में जो किया गया है या हो गया है उसकी कीमत क्या ये मेडिकल वाला या ये पुलिस अधिकारी चुका पाएंगे।
ये अगले न्यूज में हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारा मकसद उन तमाम गलत अधिकारी को ढूंढ के निकालना जो कानून के